दोस्तों आज हम वास्तु में बात करने वाले हैं कोर्सेज के बारे में। बहुत सारे आजकल ऑनलाइन वास्तु के आप भी देखते होंगे कोर्सेज चल रहे हैं और बहुत सारे मेरे पास ऐसे कॉल्स आते रहते हैं, पहले भी आए हैं, और बट आजकल पिछले 10-15 दिनों से तो ऐसा लगता है कि कॉल्स की और ईमेल्स की बाढ़ आ गई है मेरे पास। आज सुबह सुबह मेरे पास एक आदमी का ईमेल आया और उस आदमी ने फिर मेरे पास कॉल भी किया कि सर मैं बहुत बुरी तरीके से फंस गया हूँ ये चक्करबाजों की और मैं फंस गया हूँ इस चक्कर के चक्कर में। अब मैंने पूछा हुआ क्या बताइए। ईमेल में उन्होंने थोड़ा थोड़ा लिखा था कि मैंने 3-4 मेरे गुरु रहे हैं, 3-4 गुरुओं से मैंने सीखा शायद, और हर बार इस उम्मीद में सीखा मैंने वास्तु कि अब मुझे रियल वास्तु सीखने को मिलेगा, बट मेरा हुआ क्या, मैं बन गया सर एजेंट। उन्होंने ये बात लिख रखी थी अपनी ईमेल में कि सर जितने गुरुओं के पास गया उतने गुरुओं ने मेरा एजेंट बनाने की कोशिश करी। अब मैंने कहा सर एजेंट कैसे बनाया आपको, कि सर वास्तु के नाम पर मेरे को सबसे पहले तो मेरे हाथ में चक्रा दे दिया गया कि आप कहीं पे भी जाते हो पहले उसकी मैपिंग करो। मैपिंग करके उससे क्या होता है, एक माहौल क्रिएट होता है कि आप वास्तु करा रहे हैं। कोई आदमी किसी क्लाइंट के आप जाते हैं, जितना ज्यादा आप दिखाएंगे कि वर्किंग हो रही है, ये हो रहा है, अब हम ग्रेडिंग करेंगे, अब हम उस मैप में ये करेंगे, अब हम लेवल 1 की रेमेडीज करेंगे, फिर लेवल 2 की रेमेडीज करेंगे, फिर लेवल 3 की, इस तरीके से जितना ज्यादा आप क्लाइंट को बस दिखाएंगे उतना ज्यादा क्लाइंट आपको पे करेगा। मैं कहा ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि सर मैंने जब गुरु से अपने जो सारे मेरे आज तक के गुरु बने हैं उनसे जब मैंने वास्तु सीखा तो एक गुरु के पास गया, उसने मेरे हाथ में चक्रा दिया, मेरे को बताया कि ग्रेडिंग करो और इस तरीके से किसी भी मैप पे ये ग्रेडिंग करके इस तरीके से दिशाएं निकाल के और उसके बाद आप उसको क्लाइंट को दे दो रेमेडीज लिख के। रेमेडीज कहां से खरीदोगे, रेमेडीज गुरु खुद ही बेचता है। ये सिखाया पहले कंसल्टेंट ने, दूसरे ने सिखाया, दूसरा उससे भी महान था, दूसरे ने कहा पहले अपने बंदे को भेजो जो उसकी मार्किंग करके आएगा, फिर उसके बाद खुद जाओ, फिर वहां पे जाके पूरी ग्रिडिंग करो, उस मार्किंग को, उस मैप को अपने साथ लेके जाओ, उस पे ग्रिडिंग करो, वहां बैठ के उनको दिखाओ कि आप कैसे ग्रिडिंग कर रहे हो, फिर बार चार्ट बनाओ, पहले देवी देवता निकालो कि कौन सी देवी देवता बाहर हैं घर के, पहले वो निकालो, फिर उनकी रेमेडी करो, फिर डायरेक्शन, क्योंकि किसी भी चाहे स्क्वायर है चाहे रेक्टेंगल कोई भी शेप का है वो चक्रा से डायरेक्शन बाहर जाएगी जाएगी कोई ना कोई, अब वो जो चक्रा से बाहर जा रही है चक्रा के अंदर जो आ रही है उन सबको लेवल करने के लिए भी रेमेडी करो। वास्तु तो कर ही रहे हो क्योंकि चक्रा के बाहर जो भी डायरेक्शंस आएंगी, मान लीजिए एक स्ट्रेट प्लॉट है तो नॉर्थ तो 0-0 आ गया, नॉर्थ ईस्ट बड़ा हुआ दिखाएगा चक्रा में। तो उन्होंने क्या करा कि गुरु ने बताया कि इस तरीके से पहले बार चार्ट बनाओ देवी देवता का, फिर बार चार्ट बनाओ सारी डायरेक्शंस का, फिर बार चार्ट बनाओ घर का और सारी रेमेडीज फिर उनको बेचो। रेमेडीज कितने की है, रेमेडीज 5,000, 10,000, एक एक प्रोडक्ट 5,000-10,000 का मिनिमम। उन्होंने बताया कि सर मिनिमम 1.5-2 लाख रुपए का बिल हर घर में बनाते ही है हम। फिर मिला तीसरा गुरु, वो सबका बाप था, उसने कहा पहले तो जाने की फीस 10 लाख लो। उस गुरु ने सिखाया उनको कि पहले तो जाने का ही 10 लाख मांगो, उसी से वैल्यू बनती है, वरना तुम्हें लोग कुछ समझेंगे नहीं। जब तक तुम ये नहीं दिखाओगे कि तुम कितने बड़े हो, कौन बुला रहा है कौन नहीं बुला रहा कौन जानता है, बस एक अपने आप को बड़ा दिखाओ। उस गुरु ने पहली चीज ये सिखाई वास्तु में। अभी वास्तु की भी बात करेंगे कि ओरिजिनल वास्तु होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या होता है। तो तीसरे गुरु वो सबसे बड़ा गुरु था, वो सबसे बड़ा गुरु घंटाल निकला, कहते सर उन्होंने इतना ब्रेन वॉश करा मेरा कि सबसे पहले तो अपनी फीस बढ़ाओ, ज्यादा फीस मांगोगे लोग सोचेंगे पता नहीं कितना बड़ा कंसल्टेंट है, चाहे तुम्हारी उम्र 20 साल है तो
उसके बाद फीस बढ़ाओ, उसके बाद आगे वहां जाके इतना ज्यादा दो तीन लोगों को अपने साथ लेके जाओ, टीम लेके चलो और पता नहीं क्या क्या, वहां पे जाके उनके घर पे वास्तु करो, मत करो शो ऑफ, पूरा करो कि वास्तु हो रहा है। तो ये इस तरीके से मैंने तीसरा वास्तु सीखा। तो मैंने उनसे लास्ट में एक बात पूछी, मैंने कहा आपने बेसिकली, फिर कहते सर मैं एजेंट बन के रह गया, जैसे इंश्योरेंस वाले बेचते हैं बेचारे या प्रॉपर्टी वाले होते, मैं भी वही बन गया, मैं वास्तु का एजेंट बन गया कि ये चक्रा लगाया, लगा के मैं अपने गुरु की रेमेडी बेच रहा हूं। ये वही सिस्टम है दोस्तों जो आजकल इंडिया में हर आदमी चला रहा है, एजेंट बनाता है अपने नीचे, अपने स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के नाम पे एजेंट बना रहे हैं वास्तु कंसल्टेंट और अपनी रेमेडीज बेच रहे हैं, उनकी बढ़िया दुकान चल रही है। और दोस्तों आधे से ज्यादा तो मैं बोलते, मतलब ठीक है मैं डिस्क्लोज नहीं करता, आधे से ज्यादा ये जो चक्रा वाले कंसल्टेंट है इनके अपने घर भी टूटे पड़े हैं। एक बहुत अंदर की बात बता रहा हूं मैं आपको, आधे से कंसल्टेंट ऐसे हैं जिनकी बीवियां छोड़ के जा चुकी हैं, अपने घर में सुख शांति तो ला नहीं पाएंगे, दूसरे के घर को क्या ठीक करेंगे। शर्म आनी चाहिए इन कंसल्टेंट्स को खुद के ऊपर कि तुम अपने घर को तो, अपनी किस्मत को तो थोड़ा सुधार लो, अपने रिलेशन तो बचा लो, दूसरों के रिलेशंस तुम ठीक कराने जा रहे हो, वास्तु कर रहे हो, तुम करोड़ों रुपए फीस चार्ज कर रहे हो, ले लो करोड़ों भी मिलते हैं। खैर अब बात करते हैं दोस्तों असली वास्तु होता क्या है। दोस्तों असली वास्तु एक, और हाँ मेरे पास एक और बहुत ज्यादा आता है, ईमेल भी आती, कमेंट भी आती, मेरे को एक आदमी ने लिखा कि सर कंपास भी तो गोल होता है। तो उन वास्तु कंसल्टेंट, उन अनपढ़ लोगों से मैं ये बात बोलूंगा कि कंपास जिस दिन बना, वास्तु शास्त्र उससे बहुत कई हजार साल पुराना है। जब कंपास बना उससे कई हजार साल पहले से वास्तु चलता आ रहा है, वास्तु में उस टाइम भी दिशाएं देखी जाती थी और वास्तु में आज भी दिशाएं देखी जाती हैं। एक कंपास से सुविधा हुई है, दिशाएं देखने में आसानी होती है। वास्तु कंपास पे बेस साइंस नहीं है, वास्तु कंपास से बेस पे नहीं चलता, वास्तु काम नहीं करता कंपास के बेसिस पे, कंपास से सिर्फ एक सुविधा हुई है, दिशाएं पहले भी देखी जाती थी बहुत सारे मेथड्स से। शायद आपके जो भी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि कंपास भी तो गोल होता है, चक्रा गुरु ने हमारे गोल बना दिया, तो उसने क्या गलती कर दी, उसने यही गलती कर दी कि उसने एक यूजलेस चीज बना दी लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। और मैं बहुत ही क्लियरली बोलता हूं इस बात को कि जितने ये चक्रा वाले कंसल्टेंट्स हैं और जितने उनके स्टूडेंट्स हैं, कंसल्टेंट तो वो कमा गए, जितने उनके स्टूडेंट हैं वो सब एजेंट हैं। मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं इस बात का कि आपको वास्तु का वी भी नहीं आता। और हाँ ये बात सच है, अपने मन से पूछना कभी कि तुम्हें क्या सच में वास्तु आता है। वास्तु शास्त्र जिस टाइम लिखा गया था उस टाइम रेमेडीज भी थी, राजा भोज की एक बुक है वास्तु की, जो राजा भोज ने वास्तु की अपना एक बुक जो लिखवाई थी उसमें रेमेडीज का भी विवरण दिया है। बट वास्तु में रेमेडीज जो इस्तेमाल होती वो ये रेमेडीज नहीं है जो आज बिक रही है वास्तु के नाम पे, जो आपको तलवार, चेस बोर्ड और घोड़े, गधे, पता नहीं क्या क्या बेचा जा रहा है वास्तु शास्त्र के नाम पे। ये रेमेडीज कभी भी नहीं थी वास्तु में, ना ये आज है। ये जो प्लास्टिक का सामान बेचा जा रहा है आपको, ये जो टेपें बेची जा रही है वास्तु शास्त्र के नाम पे, प्लास्टिक से दुनिया दूर भाग रही है, प्लास्टिक की ही टेप लगवा रहे हैं। अब शायद एक दो कंसल्टेंट ने कहानी मेरी बार बार सुन के बातें चेंज कर दिया है, उसने स्ट्रिप बोलना स्टार्ट कर दिया है और वो स्ट्रिप टेप नहीं लगवा रहा, वो शुगर है उसका, वरना हरे रंग की टेप लगा लो टॉयलेट के आसपास। दोस्तों नेगेटिव होता है प्लास्टिक का घर में इस्तेमाल करना, कभी भी आप एनर्जीज चेक कर लेना, प्लास्टिक की टेप की जीरो आती है। और बहुत बार तो बिल्कुल सड़ा हुआ प्लास्टिक इस्तेमाल होता है टेपों को बनाने के लिए, आपने कभी टेप बनती देखी नहीं है।
एज अ रेमेडी जो वास्तु कंसल्टेंट इस्तेमाल कर रहे हैं आपके घर में नेगेटिविटी बढ़ा रहे हैं वो, और चक्रा जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें 32 एंट्रेंस निकालते हैं दोस्तों। 32 पद वाला जो वास्तु है, जो 8x8 का बनता है, वो वास्तु मंडल हमेशा मंदिरों में इस्तेमाल किया जाता है, जो ये वास्तु कंसल्टेंट चक्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं। 32 एंट्रीज जो बना रहे हैं, ये मंदिरों का वास्तु होता है। मंदिर बनता है 32 8x8 के ग्रिड पे, 8x8 के VPM पे, ग्रिड नहीं बोलते उसको, 8x8 का VPM जो बनाया जाता है वो मंदिरों में इस्तेमाल होता है। वो इतना अनपढ़ कंसल्टेंट है जिसने चक्रा का इजाद करा बेचारे ने, और इतना ही अनपढ़ उसके सारे स्टूडेंट निकले कि अपने गुरु से ये नहीं पूछा कि ये आया कहां से है। और आज भी जितने लोगों के मेरे पास फोन और ईमेल आते हैं ये चक्रा वास्तु के धोखा खाए हुए के, सबको ये बात मैं बोलता हूं कि क्या आपने कभी अपने गुरु से नहीं पूछा कि ये चक्रा आया कहां से। रियल वास्तु सीखिए। अगर आपको वास्तु शास्त्र सीखना है तो किसी भी अच्छे कंसल्टेंट से सीखिए। पहले पूछ लीजिए कि चक्रा का वास्तु सिखाते हो, एजेंट बना रहे हो या वास्तु कंसल्टेंट बना रहे हो। दोस्तों आपको अगर वास्तु कंसल्टेंट अगर आप बन रहे हो ना, तो आपको 6 figure इनकम की बात ही नहीं है, फिर इनकम तो सोचना ही छोड़ दो। क्योंकि अगर आपको रियल वास्तु आता है ना, तो अपने आप पैसा आता है। अगर आप ये इस लालच में वास्तु सीखेंगे कि 6 figure इनकम अर्न करनी है, तो 6 figure पे ही रह जाओगे। समझदार को इशारा ही काफी होता है। तो दोस्तों आप जब वास्तु शास्त्र की बात करते हैं, जब हम वेदों की बात करते हैं, तो वास्तु जब लिखा गया था उस टाइम कंपास नहीं होते थे। मैं उन लोगों को भी ये जवाब दे रहा हूं जो बार बार लिखते हैं ना कि डायरेक्शंस कैसे चेक करें। बहुत सारे मेथड्स होते हैं वास्तु के। अगर आपने रियल वास्तु सीखा होता तो आपको आज वो मेथड्स भी पता होते। हिस्ट्री ऑफ वास्तु शास्त्र में अगर आप जाओगे तो आपको दिखेगा, आपको पता चलेगा कि पहले जमाने में, पहले के टाइम में जब कंपास नहीं हुआ करते थे, तब कैसे डायरेक्शंस चेक होती थी। कंपास से एक अंदाजा लगता है, कंपास से 100% कंपास पे आप निर्भर नहीं हो सकते वास्तु करते हुए। कंपास एक हेल्पिंग टूल है, जो आपकी कंपास एक टूल है, एक सुविधा के लिए चीज बनी हुई है, बट वास्तु कंपास पे बेस साइंस नहीं है, जिसको आपने सब कुछ मान लिया है। तो दोस्तों आज भी मैं आपको इसीलिए अवेयर करने आया हूं कि आप इस फ्रॉड वास्तु से बच जाइए। इस चक्रा के चक्कर में अगर आप गिर गए फिर उठ नहीं पाओगे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।